आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। संजय प्लस में नगर निगम द्वारा अवैध तरीके से संचालित हो रही पार्किंग विवाद में संजय प्लस वेलफेयर एसोसिएशन को जनपद न्यायालय से स्टे प्राप्त हुआ है। इस पर संजय प्लस वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने हर्ष जाहिर की है। इसमें जानकारी ये है कि 2008 से नगर निगम पार्किंग पे ज़्यादा विरोध चल रहा था कि अवैध पार्किंग नगर निगम के द्वारा लगाई जा रही थी, जिसमें 2008 में हमने कोर्ट से द्वारा स्टे ले लिया था, जो स्टे कंटिन्यू हमारा 2012 तक रहा है, जिस पर हमने 2012 तक संजय प्लेस में कोई भी अवैध पार्किंग नगर निगम के द्वारा नहीं चली है। पर कुछ कारणों के वश स्टे को हटा दिया गया था। फिर हमने 2019 में दोबारा दाखिल करी अपनी रिव्यू पिटीशन में, इसमें दोबारा 12/3/2021 को दोबारा हमें स्टे मिल गया है, जिसमें नगर निगम द्वारा जो संचालन हो रहा था अवैध पार्किंग का, उस पर रोक लग गई है। कि आयुक्त महोदय के साथ हम लोगों की एसोसिएशन के लोगों की मीटिंग हुई थी और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोला था कि अगर व्यापारियों को और संजय प्लेस वेलफेयर एसोसिएशन को अगर वहाँ से स्टे मिलता है तो जितने पैसे यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं या लिए गए, पहले तो पैसा इकट्ठा किया ही नहीं गया, लोगों को दे दिया गया, टेंडर डाल दिया गया, ठेका उठा दिया गया, पैसे लिए नहीं गए, वो सारे ठेकेदार पैसे ले लेके भाग गए। लेकिन उन्होंने बोला था अगर वो लेके भाग गए हैं, हम वसूल करके उस पैसे को एसोसिएशन को और सारे व्यापारी भाइयों को लौटाएंगे। मेरा आपके माध्यम से उनसे यही रिक्वेस्ट है, उनसे यही कहना है कि जो वर्ड्स उन्होंने नगर निगम में हमें मीटिंग के दौरान दिए थे उसको वो पूरा करें। सब व्यापारियों की बहुत बड़ी जीत है और नगर निगम आपके माध्यम से नगर निगम से यही कहना चाहेंगे कि कोई द्वेष भावना ना रखी जाए। जिस तरह से संजय प्लेस के अंदर आजकल अतिक्रमण चल रहा है और द्वेष भावना के कारण चल रहा है, क्योंकि एक तरफ कार्रवाई ना होकर जो कार्रवाई की जा रही है उससे व्यापारी बड़ा व्यथित है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि व्यापारी हर तरह से आपका सहयोग देने को तैयार है, कृपया आप संजय प्लेस के अंदर जो लाइट की व्यवस्था है, सीवर की समस्या, उस समस्या का समाधान कराएं। व्यापारी हमेशा आपके साथ रहा है और आगे भी रहेगा।